नमस्ते भैया लोग, अगर साग खाए को तो देहात में आओ। देहात में इस समय साग जो है हर जगह जगह उगा हुआ है। देखिए ये ताजा ताजा सरसों और खेत की, अब बाजार से फर्स्ट क्लास पालक लाइए, सोवा लाइए, धनिया लाइए, मेथी लाइए, उसमें जो है इसको काटिए और उसको बनाइए और साग जो है चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, फर्स्ट क्लास विटामिन लीजिए और स्वस्थ रहिए। क्योंकि ये जो सरसों है ये इसमें जो है ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं है। जो शहरों में इस समय बिक्री होती है, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, बड़े बड़े शहर महानगर हो, वहाँ जो सरसों वगैरह बिकती है उसमें तो ज़्यादातर खाद होती है। तो हालांकि सरसों तो कहीं कहीं देख रहे हो फुला गई है, लेकिन अभी इसमें कोई बात नहीं है, अभी इसकी पत्तियाँ इस्तेमाल में ले सकती है। तो इस तरह से ये साग के काम में आ सकती है। तो सरसों का साग और मक्का की रोटी जैसे पंजाब में बहुत प्रचलित जो कहावत है और एक व्यंजन भी है। देखा ये देखा फर्स्ट क्लास जो है आके चाभिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। तो यहाँ आइए देहात के क्षेत्रों में, तो यहाँ जो है गांव के आसपास में यही खेती हुई है और गेहूं भी लोग बोए हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ लोग सरसों के साथ साथ तमाम तरह की खेती भी करते हैं, लेकिन साग के रूप में पालक जो है यहाँ लोग पालक भी उगाते हैं, सोया भी उगाते हैं, धनिया भी उगाते हैं, तमाम तरह की है। तो जैसा हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सरसों दिखाई दिया, सरसों आप देख सकते हैं। अब शहरों में तो इतनी फ्रेश सरसों नहीं आपको मिलेगी, अब जो शहर के होंगे उनको तो पता होगा, तो देख सकते हैं आप।